बड़ी खबर आ रही देश में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर। नासिक के किसानों से 2,00,000 टन प्याज खरीदेगी सरकार, खुले बाजार में दाम घटाने की कवायद। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को आश्वस्त किया है कि नासिक क्षेत्र के किसानों से 2,00,000 टन प्याज की खरीदारी की जाएगी। प्याज की खरीदारी नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी कि NCCF के जरिए की जाएगी। ये दोनों केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं जो कृषि उपजों की खरीदारी और उसके प्रबंधन का काम करती हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि नेफेड और NCCF के माध्यम से नासिक के किसानों से प्याज की खरीदारी की जाएगी, फिर इस प्याज को सरकार खुले बाजारों में उतारेगी ताकि प्याज की महंगाई को कम किया जा सके। हाल के दिनों में प्याज के दाम बढ़े हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार नासिक से प्याज खरीदने की कवायद शुरू करने जा रही है। सरकार ने ऐसे समय में प्याज खरीदने का ऐलान किया है जब नासिक की मंडियों में व्यापारियों ने प्याज की नीलामी पर रोक लगा दी है। पिछले 7-8 दिनों से मंडियों में प्याज की नीलामी नहीं हो रही है, जिससे किसानों में भी रोष है क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई है। दूसरी ओर प्याज की नीलामी नहीं होने से खुले बाजार में प्याज की कमी हो रही है, जिससे दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्याज की इसी महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने नासिक इलाके से प्याज की खरीदारी शुरू करने का निर्णय लिया है। खेती किसानी जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।